देख रहे हो ना, बहुत सालों पुराना मंदिर है। तो स्वागत है आप सभी का मैसेज ब्लॉग में, मैं आपका दोस्त रमेश। तो गाइस नवरात्र के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। तो आज नव दुर्गा माता बैठ रही है। तो गाइस आज मैं सुबह से वीडियो नहीं बनाया था और काम पे चला गया था, उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाया गाइस। तो गाइस अभी खेतिया शहर में जाएंगे और माता बैठ रहे हैं, तो आपको भी दिख। शाम को 4 बजे आया था काम पे से और खाना खा के सो गया था और मुझे नींद भी आ गई थी, बहुत ही तगड़ी वाली नींद आ रही थी, इसलिए जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ नव दुर्गा माता बैठ रही है। तो अभी तो शाम के 6:10 हो चुके हैं गाइस। तो अभी चलते हैं और हमारे मेरे पापा जी है, वो तेल लेने बुलाए हैं, तो अभी जाएंगे। और हमारे भाई लोग हैं जो कि नीचे गाड़ी निकाल कर रख कर आया हूँ मैं। ये तरह अपनी बाइक और हमारे सोमनाथ भाई और गोकुल भाई बैठे हुए हैं गाड़ी पर, और अभी गाड़ी भी साफ करके एकदम बढ़िया कर दी भाई लोग गाइस। और तीनती गाड़ो काम भी गाड़ो है, हम जा रहे हैं तीन भाई लोग खेतिया शहर में। ये कहाँ पर जाने वाला है मुझे नहीं पता, कहाँ पर जाना है रहते याद रहा है ये। चलो चलते हैं गाइस। अभी तो ये सोमनाथ भाई तो कुछ बोल तो नहीं रहे, कहाँ बैठ रहे हैं और दुर्गा माता आपको भी बता देते हैं। और सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर बैठ रही है और माता चौक में भी बैठ रहे गाइस। तो अभी चल अपन जाते हैं टैगोर चौक में जो कि पुलिस स्टेशन के पास माता बैठ रही है, तो वहाँ पर भी जाकर दिखाते हैं आपको। वहाँ पर भी डेकोरेशन बहुत ही अच्छा किया गया है। गांधी चौक है, गांधी चौक के आगे हम जा रहे हैं जो कि खाने का तेल लेने जा रहे हैं, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। और हम अभी मस्जिद के पास पहुंच चुके हैं, इधर देख सकते हैं हम नाले पार पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर बजरंग कुटिया देख सकते हैं, बजरंग बली बाबा हमारे पापा काम करते हैं वहाँ पर जा रहे हैं, जो कि हमारे पापा आयसर चलाते हैं गाड़ी। नव दुर्गा माता की माता जी ले जा रहे हैं। कतरंग ये हमारे पापा जी एकदम बैठे नकल गाड़ी पे। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे माता जी लाई है, माता चौक की माता जी लाई है। अभी हम जल्दी से ये रख के आते हैं आगमन देखने के लिए। ला गाड़ी दे ली तोरी भी आओ तो पाए ने आरू। तो गाइस हमारे यहाँ के पुलिस सर भी अच्छे से काम। तो गाइस हम नाले पार गए थे खेतिया शहर में जो कि तेल लेकर अभी आ चुके हैं हमारे पापा, और ये रिफाइंड सोयाबीन परिवार से ले गए और ये मिला है तेल 1500-1600 का मिला है गाइस। और अभी हम थोड़ी देर बाद जाएंगे और खेतिया शहर में, और माता जी का आगमन भी होगा और बहुत ही जोरदार से होगा गाइस। तो हमारे खेतिया शहर में दो ही दुर्गा माता बैठ रही है, तो आपको भी। तो दोस्तों खेतिया शहर में माता जी का आगमन भी होगा और आपको भी जाकर दिखाएंगे गाइस। तो अभी तो समय है और शाम के 6:30 है। तो गाइस हमारे आज गोलू पांडे का भी बर्थडे है, तो वो भाई जो कि ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे बर्थडे गोलू भांजे। और अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों हमारे घर में अभी पहुंच चुके हैं, हमारे जीजा जी के घर में पहुंच चुके हैं और टाइल्स वगैरह नीचे का सब कंप्लीट कर दिया है। और आज किए थे किचन का अभी पूरा फाइनल काम कर दिया है, और टाइल्स मिस्त्री है यहाँ पर देख सकते हैं, और एक मिस्त्री है और जाकर दिखाते हैं पीछे काम कर रहे हैं ये देख रहे हैं। और संडास बाथरूम में पूरा टाइल्स लगा दिया है गाइस, आपने देखा कि टाइल्स और किचन फर्श कैसी लगाए हैं। तो जो कि हमारे प्रकाश भाई हैं वो बड़े पप्पा जी के लड़के हैं और वो टाइल्स मिस्त्री है और बहुत ही अच्छे लगाते हैं। जी जग के फर्जे नीचे के हैं और पूरे हमारे प्रकाश भाई ने लगाया है।
और इधर हमारे घर की हालत देख सकते हो कुछ ऐसी है। हमारा घर का काम कब चालू होगा कुछ पता नहीं चल रहा है। सब सामान भी खराब पड़ा हुआ है, कलर बाकी है और पीसीसी सब कुछ बाकी। तो गाइस ये बात छोड़ देते हैं और अभी खेतेश्वर में जाते हैं और माता जी का आगमन हो रहा है तो आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस अभी मिलते हैं सीधा बाजार में। हम अभी माता चौक में पहुंच चुके हैं और गाइस ये मंदिर देख रहे हो ना, बहुत सालों पुराना मंदिर है गाइस और काम भी बचा हुआ था और अभी 3-4 महीने हो चुके हैं और काम चल रहा है और अभी भी थोड़ा बहुत कलर मारना बाकी है और माता जी के आपको भी जाकर दर्शन कराएंगे। और यहाँ पर नव दुर्गा माता लेने के लिए अभी जाएंगे और यहाँ पर भी माता बैठ रही है गाइस। तो अभी मंदिर में जाकर आपको भी दर्शन करा जाते हैं और आपको भी वीडियो में बने रहे। और बहुत काम बाकी है और यहाँ पर देख सकते हो सब कलर मारे जा रहे हैं और अभी रात का समय है तो काम वाले काम भी नहीं कर रहे हैं अभी और यहाँ पर दर्शन भी करने आए हैं लोग। रात के 9 बजने में आ गए पर अभी माता को नहीं ले गए हैं और यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो चुके हैं और अभी थोड़ी तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं और अभी घर और माता जी का आगमन भी देख कर आ गए हैं। तो गाइस मैं खेतेश्वर में देखने के लिए गया था 2-3 बार पर जब तक नहीं आए थे तब तक फिर मैं 2-3 बार राउंड मार लिया था जो फायर करने के लिए। मैं वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो गाइस अभी तो खेतेश्वर में घर पर तो आज तो नहीं खेलने वाले हैं और एक आध दिन जाएंगे देखने के लिए। तो इस वीडियो को ये ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।